ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अ टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं इसको अपन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। नाउ हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, तो आप एकदम से पूरा पेज लेके रखें अपना, और फुल पेज में आराम से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दो बीकर लिए जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। ये ले लेते हैं अपन जिंक रॉड, और यहाँ पे जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है एक्वस ZnSO4। सिमिलरली इधर हम लेते हैं कॉपर रॉड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर, और इनको हम एक वायर से जोड़ देंगे, कंडक्टिंग वायर जिसमें बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक रॉड के अंदर जो एटम्स हैं, जिंक के जो एटम्स हैं वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जिंक के जो एटम्स होंगे इनिशियली वो होंगे सॉलिड स्टेट में, जो आएंगे इसके अंदर एक्वा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। कैसे आएंगे, जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn+2 एक्वस फॉर्म में होंगे, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं Zn+2 आयन किस में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, और जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए इसने वो कहाँ चले गए, रोड में चले गए। तो हम यहाँ लिखेंगे इनटू द रोड, यहाँ पे लिख सकते हो इनटू सॉल्यूशन, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इलेक्ट्रॉन होता नेगेटिव चार्ज, तो जो रॉड थी हमारी, ये रॉड वो कैसी हो गई, अब नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये इस पर चले गए, नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इधर फ्लो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इधर इस वाले रोड पे क्या हो रहा होगा, जो एक्वस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से वो किस फॉर्म में है, इस सोल्यूशन के अंदर Copper+2SO4- के अंदर। तो जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन और कॉपर के आयन्स हैं ये क्या करेंगे, जो दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके इधर की तरफ आए वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे अपने पास, गेन करेंगे, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। जो कि मतलब क्या हुआ कि ये कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो गया, इसके चारों तरफ डिपॉजिट हो गया। तो एक तरफ तो हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन, एक तरफ हो रहा है रिडक्शन, और डेट्स वाई अलग अलग बीकर के अंदर दोनों चीज़ हो रही है। डेट्स वाई हम इस पूरे रिएक्शन को बोलेंगे हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अलग अलग बीकर में हो रही है, डेट्स वाई इनको हमने इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोला। अगर एक ही बीकर में होती तो हम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन के टाइम पे याद रहे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन, टेक प्लेस इन सेपरेट कंटेनर। क्यों बोला हमने, उसका रीजन ये दे दिया आपको मैंने, ठीक है। और ये कॉपर प्लस, अब इनिशियली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनिशियली हम यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, जब जिंक रॉड के एटम्स इसके अंदर नहीं आए होंगे, तब क्या होगा इस सॉल्यूशन के अंदर कि जिंक सल्फेट जो है वो इनिशियली यहाँ पे क्या होगा, जितने जिंक प्लस टू के आयन्स हैं उतने ही SO4 टू माइनस के आयन्स होंगे। सिमिलरली इधर भी, इस वाले तरफ भी क्या हो रहा होगा, इनिशियली जितने कॉपर प्लस टू के आयन्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतने ही SO4 माइनस टू के आयन्स होंगे। लेकिन आफ्टर सम टाइम, जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ कि जिंक के आयन्स, जिंक एटम्स इसके अंदर आए आयन्स के फॉर्म में, तो धीरे धीरे यहाँ पे जिंक प्लस टू के आयन्स की क्वांटिटी बढ़ गई। तो आफ्टर सम टाइम क्या बोल सकता हूँ मैं कि जिंक प्लस टू के आयन्स नाउ इज ग्रेटर देन द SO4 टू माइनस आयन्स। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा आफ्टर सम टाइम, तो SO4 टू माइनस के आयन्स की क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि अब तो कॉपर जो आयन्स की फॉर्म में था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे डिपॉजिट होता चला गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर प्लस टू की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई किसके कंपेयर में, SO4 माइनस टू की कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, इस जगह पे तो वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था सोल्यूशन। यहाँ पे भी इनिशियली क्या था वो इलेक्ट्रिकली, न्यूट्रल था। क्लियर, ठीक है। तो जैसे ही जिंक Zn प्लस टू का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो क्या सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सिमिलरली इस साइड में क्या होगा कि SO4 माइनस टू का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि फ्रॉम सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये रोड पे आ रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन टू द रोड। क्लियर। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी इस पूरे चैप्टर के अंदर यू हैव टू रिमेम्बर कि जिधर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, कि जिंक जो है वो Zn प्लस टू के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किधर की तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, ठीक है। और हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर लेफ्ट साइड में ही ऑक्सीडेशन होगा, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। और इधर क्या हो रहा है कि कॉपर प्लस टू जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी जिधर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उधर बाहर की तरफ होगा पॉजिटिवली चार्ज और रोड पे होगा नेगेटिवली चार्ज, जिधर भी रिडक्शन हो रहा होगा उधर बाहर की तरफ होगा नेगेटिवली चार्ज और रोड के ऊपर होगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इधर नेगेटिवली चार्ज है तो आपको इधर पॉजिटिवली चार्ज होगा इसी। क्लियर ना, यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा वैसे ही यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा इमिजिएटली, तो हमें पता लग जाएगा कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। नाउ हमने देखा था कि डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, हमने प्रीवियसली जो देखा था डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पे क्या एक साइड इफेक्ट था कि जो हीट डेवलप हो रही थी वो हीट वेस्ट हो रही थी वहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो हीट को यूज़ करना है, यूटिलाइज करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे हीट जनरेट हुई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, वैसे ही यहाँ पे बल्ब कनेक्ट हो गया। ये कौन सा वायर है आपका, कंडक्टिंग वायर है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही सही यहाँ पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ
वैसे ये बल्ब जलना शुरू हो गया, तो हमने हीट, वो जो हीट थी जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई उसको हमने यूटिलाइज कर लिया। तो इनडायरेक्ट एडोप्शन रिएक्शन के अंदर यही होता है, ठीक है। अब हमें एज पर नॉलेज मुझे पता है कि जिधर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, लेफ्ट टू राइट है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड में ही करंट, करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, किधर हो रहा होगा, राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा, ठीक है। बल्ब के अंदर भी सेम ही, बल्ब के अंदर सॉरी सेल के अंदर भी ये कंसेप्ट होता है, जो सेल देखा होगा आपने अपना, ठीक है। उसके ऊपर एक तरफ ये होता है साइन, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव साइन होता है, एक तरफ होता है नेगेटिव साइन। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वायर जोड़ देते हैं एक, और ये क्या होता है, यहाँ पे बल्ब से कनेक्ट होता है। तो अगर सेल चार्ज है, सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इमिजिएटली ये बल्ब ग्लो करने लग जाता है। डैट मीन्स कि क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है। जैसे सर्किट कंप्लीट हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है बिना बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरा यहाँ पहुँचेगा, सर्किट कंप्लीट है, मतलब ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये जो सेल है हमारा, ये सेल नॉर्मली काफ़ी टाइम चल जाता है हमारा, अगर किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं तो 3 to 4 मंथ चल जाता है ना, और रिमोट के अंदर यूज़ करें तो आराम से साल भर चल जाता है, ठीक है। घड़ी के अंदर यूज़ करें तो 5 to 6 मंथ चल जाता है हमारे पास ये सेल। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये सेटअप किया है, ये सेटअप हार्डली 3 to 4 मिनट्स चलेगा यहाँ पे। क्यों चलेगा 3 to 4 मिनट्स, लगा टाइम तक क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जिंक के एटम्स है वो इस सोल्यूशन के अंदर आते जा रहे हैं, इस सोल्यूशन के अंदर आते जा रहा है। तो जो सोल्यूशन है वो कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया इस पूरे सोल्यूशन के अंदर, तो पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ जाने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज इतना ज़्यादा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रोक के रखेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको जाने नहीं देगा यहाँ पे, पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। और सिमिलरली यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि कॉपर प्लस के आयंस यहाँ पे चले गए रोड के ऊपर, सोल्यूशन के अंदर SO4 2- की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, नेगेटिवली चार्ज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो भी नेगेटिव है, या नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसको आने नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए क्या करें हम, इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें, तभी यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसीलिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं। ये जो सेटअप है हमारा, ये सेटअप हार्डली 3 to 4 मिनट चल रहा है, इसको लॉन्ग टाइम तक तो चलाने के लिए क्या करें हम, इसके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम करता है कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 to 4 मिनट्स क्यों चल रहा है, क्योंकि इनफ पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो गया जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोक रहा है, यहाँ पे इनफ नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो गया जो इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोक रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दें, यहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव सब्सटेंस डाल दें कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव सब्सटेंस से मिलकर न्यूट्रल हो जाए, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज डाल दें ताकि ये नेगेटिव जो सब्सटेंस है उससे कंबाइंड होकर न्यूट्रल हो जाए। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ इधर, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से कोई रोक नहीं पाएगा, या इलेक्ट्रॉन आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं, एक ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, ठीक है, इन्वर्टेड ट्यूब होती है यू शेप में, इसके अंदर होता है एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे KCl, और इक्विलिब्रियम के थ्रू, आयनो इक्विलिब्रियम के थ्रू मैं बताया कि ये 100% आयनाइज होता है K+ और Cl- की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl- आयन्स रिलीज हो जाएंगे, Cl- आयन्स रिलीज होंगे, वो इस तरह जुड़ जाएंगे इससे और यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे Cu+ आयन्स यहाँ पे चले गए, SO4 2- जैसे ही यहाँ पे कंसनट्रेशन उनका बढ़ा, यहाँ से K+ आयन्स रिलीज हो जाएंगे और SO4 2- से जुड़ जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे सोल्यूशन को। तो कभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा यहाँ, कभी नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, और डेवलप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, तो उससे ये पूरा डायग्राम चलता रहेगा हमारा।
ये पूरा सर्किट चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इस ये पूरा जो सेटअप बनाया है हमने, ये सेटअप पूरा जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ये फाइनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा बन जाता है, क्लियर। और लास्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए जो टर्मिनल की टर्मिनोलॉजी होगी इसको क्या बोलेंगे अपन, एनोड, ठीक है। मतलब जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा, और जिधर रिडक्शन हो रहा है उसका जो टर्मिनल होगा वो कैसा होगा हमारा, कैथोड होगा, ठीक है। और अगर वेट की बात करूं तो जिनके एटम धीरे धीरे यहाँ पे आके डिजोल्व हो रहे हैं, यहाँ पे आके ऐड हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जिनका वेट कम होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ जिंक रिड्यूस्ड। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कॉपर प्लस के आयन धीरे धीरे इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, और डिपॉजिट होगा तो ऑफकोर्स इसका वेट तो इंक्रीज होगा ही होगा। यहाँ पे कह सकता हूँ कि वेट ऑफ कॉपर इंक्रीज, क्लियर। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। नाउ जो ये सेल है हमारा, इस साइड का जो लेफ्ट साइड का सेल है, उसको हम दो तीन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उसके लिए। हम यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यह एनोड है हमारे पास, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एनोड हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है इस रोड के ऊपर तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव हाफ सेल। एंड लास्ट कि लेफ्ट में है तो इसको ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है। अगर याद करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, एक शॉर्टकट से कि हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम एक यूज वर्ड यूज़ करेंगे लोन, ठीक है। लोन कैसे कि ये लेफ्ट में होगा, क्या होगा लेफ्ट में क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, और कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, क्लियर। और सिमिलरली जो इधर का जो सेल है हमारे पास, ये जो सेल है हमारे पास हाफ सेल, इसके लिए हम क्या क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, जो इधर टर्म यूज़ करी हमने जस्ट उसके अपोजिट यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हो आप यहाँ पे। ये यहाँ पे कैथोड, कैथोड है हमारे पास तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, कैथोड हाफ सेल। रिडक्शन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन हाफ सेल। पॉजिटिवली चार्ज है कैथोड हमारा तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल, ठीक है। और राइट में है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, राइट हाफ सेल, ठीक है। तो डेट्स फॉर द टुडे, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया हमारे पास, ठीक है।